नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के मुंबई और नासिक शहर से 44 प्रवासी मजदूर एक कंटेनर में बैठकर कौशाम्बी आए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के कौशाम्बी पहुंचने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने फौरन एक्शन मोड में आकर सभी मजदूरों को अस्थायी आश्रय स्थल सयारा पहुंचा दिया, जहां पर सभी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। ये 43 लोग हैं उसमें और ड्राइवर लेकर 44 लोग हैं। हमारी सिराथू सैनी की थाना अध्यक्ष और CO साहब ने जो है उसको पकड़ लिया है और सभी लोगों को जो है यहाँ बाबू सिंह इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इसमें जो है हम लोग उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद मुख्यालय के आसपुर कस्बे में कोरोना संदिग्ध को लेने गई एम्बुलेंस पर पथराव किया गया। एम्बुलेंस पर ये पथराव उसी शख्स ने किया जिसे मेडिकल टीम लेने पहुंची थी। दरअसल पथराव करने वाला व्यक्ति कोरोना का संदिग्ध था, जिसे अब अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। ये बात सही है कि आज सुबह जो है कॉल आई थी कंट्रोल रूम पे, तो वहाँ आसपुर एक स्थान है यहाँ पर, तो वहाँ पर जब हमारी एम्बुलेंस गई तो जिसको हमें लेके आना था उस व्यक्ति ने जो है हमारी गाड़ी पर पथराव किया और गाड़ी के पीछे का शीशा। हरदोई में हरपालपुर पुलिस एक बार फिर से विवादों में आ गई है। इस बार एक वृद्ध को कच्ची शराब बेचने के आरोप में पकड़कर पीटने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित वृद्ध को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक युवक को हरपालपुर पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। इस प्रकरण की जाँच अभी चल रही है। साहब पिताजी सुबह लगभग शाम को 5:30 बजे किस्सा पूरा फोड़ थाने गयो, उन दुकान पर पूछी ने बताया इधर लात घूसने मारो बहुत और पुलिस ने डाल लो। सर मैं खंगरे के रहने वाले और दिन मुझे बताया था खाना ले, अब पति हमारे पूजा करके वह खाट पर बैठे थे और उन्हें पकड़ लिया, पकड़ के बहुत मारे लात घूसा हुआ मारो फिर सही। थाना हरपालपुर क्षेत्र में गांव खसोरा का एक चेतराम नाम का व्यक्ति है जो आरोप लगा रहा है कि मेरे साथ मारपीट के लिए और भद्र व्यवहार किया गया। मेरे भी संज्ञान में आया है, परंतु सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो जांच है वो तरीकेबद्ध। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।